ये दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना। लेकिन दोस्तों ये ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। यहाँ पे Redmi Note 8 Pro आता है मीडियाटेक हीलियो G90T के साथ में और Redmi K20 आता है स्नैपड्रैगन 730 के साथ में, और दोनों ही प्रोसेसर एक दूसरे को बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन देते हैं। एंड इवन एंटूटू बेंच मार्क में तो भाई कई मामलों में मीडियाटेक हीलियो G90 स्नैपड्रैगन 730 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाता है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पावरफुल है। एंड यस, यहाँ पे हम लोग स्पीड टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे चैनल पे चल रहा है Redmi Note 8 Pro का गिव अवे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग ने वो वाली वीडियो देखी हुई है, इस वीडियो को शेयर करना भूलना नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए दोस्तों, नाउ लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग बूट टेस्ट। यहाँ पे हम लोग जल्दी से इसको यहाँ पे रीबूट पे लगाते हैं, देखते कौन सा फ़ोन सबसे पहले यहाँ पे रीबूट हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे पहले फ्लैश हो चुका है Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 पीछे चलता हुआ इसके आगे, देखते कि कौन जीतता है। फास्ट फॉरवर्ड में भाई Redmi Note 8 Pro जीत चुका है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। इसके बाद चलते हैं हम लोग ओकला डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड टेस्ट की तरफ। दोस्तों ये हमने ओकला ऐप ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कौन से नेटवर्क से मैं दोनों स्मार्टफोन को कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं Redmi Note 8 Pro को। यहाँ पे आप देख सकते हैं द गीकी मॉन्ग 2.4 से ये कनेक्टेड है। अभी मैं Redmi K20 को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सी कि Redmi Note 8 Pro यहाँ पे कितना डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड लेकर के आता है। इंटरनेट स्पीड किसको नहीं अच्छी लगती दोस्तों, तो लेट्स फाइंड इट्स आउट। और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड आई है 51.6 और अपलोडिंग आई है 58.4। सो अब हमने ये Redmi Note 8 Pro के वाईफाई को हमने कर दिया ऑफ, और अब हम Redmi K20 के वाईफाई को हम ऑन कर रहे हैं। सो आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए द गीकी मॉन्ग 2.4 से ही मैंने इसको भी कनेक्ट किया है। सो लेट्स मूव नाउ और लेट्स बिगिन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 49.7 आ गई डाउनलोडिंग स्पीड, जो कि कम है Redmi Note 8 Pro से। लेट्स सी द अपलोडिंग स्पीड, तो वो आई है 60.9। सो बेसिकली डाउनलोडिंग स्पीड कम है पर अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा है Redmi K20 में। सो एक बार दोबारा से करते हैं ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार दोबारा से हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से 54.4 आ रही है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग आई 55.4। लेट्स सी यहाँ पे Redmi K20 क्या देता है हमको। लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे भाई डाउनलोडिंग दोबारा से कम है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro, और अपलोडिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आई है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro। सो दोस्तों इसका कंक्लूसिव रिजल्ट ये है कि डाउनलोडिंग Redmi Note 8 Pro, अपलोडिंग Redmi K20। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टेस्ट। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द ऐप ओपनिंग टेस्ट। सो सबसे पहले सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, तो फेसबुक आ गई सबसे पहले। सो यहाँ पे दोनों ही बराबर रहा, दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इंस्टाग्राम में भी दोनों ही बराबर रहे। प्ले स्टोर लेट्स चेक करते हैं, तो भाई दोनों ही बराबर रहे अप्रॉक्सीमेटली। यूट्यूब चेक करते हैं, तो भाई यूट्यूब पहले लोड कर दिया है Redmi Note 8 Pro ने, और भाई क्रोम भी बराबर ही था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शॉपिंग एप्लीकेशन में। दोस्तों कैश करो डॉट कॉम, आप लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में, बहुत ही अमेजिंग है। कुछ मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो आई थॉट कि आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए। दोस्तों कैश करो एक कैशबैक देने वाली एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू ना ही सिर्फ आप बहुत सारा कैशबैक जीत सकते हैं, बल्कि जो भी ऑफर्स चल रहे होते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, जो भी ऑफर चल रहे होते हैं वो सारे ऑफर्स को एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वो सारे ऑफर्स को आप अवेल करेंगे करेंगे, साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर कैश करो के अंदर आप एक्स्ट्रा कैशबैक भी जीतेंगे। वो कैशबैक आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे ही वो 250 रुपए बनता है। एंड बिलीव मी, आप लोगों को पता ही कि भाई फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे भाई महा सेल आने वाली है 29 सितंबर से, तो उसके अंदर भाई मैं सैमसंग गैलेक्सी M30s परचेज करूंगा इसी के थ्रू। और हाँ रिसेंट एग्जांपल दूं तो भाई अभी अभी मैंने यहां पे 100 रुपीज का रिचार्ज फ्री में किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। भरोसा नहीं आ रहा, ये वाला स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। और साथ ही साथ में आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, अगर उस लिंक पे जाकर के आप कैश करो को डाउनलोड करते हैं और साइनअप करते हैं, तो भाई देखिए वहां पे आपको 25 रुपये तुरंत वहां पे कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद वहां पे जो एक ऑफर लिंक दिया हुआ है उस पे आप क्लिक करेंगे, और फिर जब आप कैश करो को ओपन करेंगे और वहां के थ्रू आप रिचार्ज करेंगे, तो भाई आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप जो है अमेजॉन पे से अगर पेमेंट करते तो 25 रुपये का और कैशबैक मिलेगा। तो ऐसे साइनअप का 25 रुपये, 50 रुपये आपको ऑफर का, और 25 रुपए
अमेजोन पे, तो हो गया ना 100 रुपीज़। तो ऐसे करके मैंने भाई फ्री में रिचार्ज किया था मैंने अपना 100 रुपीज़ का, तो वो आप भाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज था, आप जरूर से आप लोग ट्राई करिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद दोस्तों हम लोग अमेजोन को ओपन करके देखते हैं, देखते हैं कौन पहले ओपन करता है। तो यहाँ पे भाई रेडमी K20 ने अमेजोन को हल्का सा पहले ओपन किया। लेट सी फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में भाई पूरा क्लियर विनर रेडमी नोट 8 प्रो, बहुत ही अमेजिंग हो रहा है दोस्तों। अब गेमिंग एप्लीकेशन द रियल टेस्ट फॉर दीज टू फोन्स, ओ माय गॉड भाई Redmi Note 8 Pro तो बहुत ज़्यादा आगे है टेम्पल रन 2 में, तो भाई ये तो बहुत ही अमेजिंग रहा। इसके बाद जरा एसफॉल्ट 9 का भी चेक करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या हिसाब किताब रहता है दोनों स्मार्टफोन का। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने एसफॉल्ट 9 हमने स्टार्ट कर दिया है, सो लेट्स सी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ओपन कर दिया है Redmi K20 ने पहले बहुत ही मार्जिन ऑफ सेकंड से Redmi Note 8 Pro से, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो मेन जान है ना वो है भाई PUBG, क्योंकि ये दिस विल एक्चुअली रिवील कि भाई कौन सा फ़ोन ज़्यादा फास्टर है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन पहले ओपन करता है। तो लग तो रहा है Redmi Note 8 Pro, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओ भाई भाई बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे भाई Redmi Note 8 Pro ने पहले ओपन कर दिया है PUBG को, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भाई मज़ा तो आने वाली है जब हम इसका antutu टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे kinemaster में क्या जो रहता है, kinemaster में पहले कौन ओपन होता है। सो यहाँ पे दोनों एक साथ ही ओपन हुए, ठीक है। इसके बाद antutu का एक बार देख लेते हैं, antutu को ओपन करके देखते हैं पहले कौन ओपन होता है। तो यहाँ पे भाई पहले हल्का सा यहाँ पे Redmi Note 8 Pro यहाँ पे पहले ओपन हुआ है, और स्पीड टेस्ट भी हम लोग देख लेते हैं, स्पीड टेस्ट में भी लमसम में बराबर रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे कौन से एप्लीकेशन पहले से ही यहाँ पे लोडेड और वो क्लोज नहीं हुए थे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो सही था, लेट्स सी भाई प्ले स्टोर भी ठीक था, और यूट्यूब भाई अगेन आपने देखा कि Redmi Note 8 Pro में पहले लोड हुआ है लेकिन ये क्लोज हो चुके थे, पहले से नहीं था प्री लोडेड। तो रैम मैनेजमेंट टेस्ट में तो भाई कोई बहुत खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों में ही 6GB की रैम है दोस्तों, ये चीज़ आपको बता दूँ। और Amazon आप देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro में भाई पहले से ही कुछ ओपन था, पर यहाँ पे Redmi K20 में नहीं था ओपन। Flipkart भी देखा आपने दोबारा से रीलोड हुआ, तो कोई नहीं इसके बाद देख लेते हैं टेम्पल रन भाई दोबारा से रीलोड हो रहा है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि वाकई में पिछली बार वाला गलत था या सही था। तो भाई अगेन आप देख सकते हैं कि Redmi Note 8 Pro यहाँ पे पहले ओपन कर रहा है। एसफॉल्ट 9 भी एक बार चेक कर लेते हैं, पिछली बार Redmi K20 ने ओपन किया था, बहुत मार्जिन ऑफ सेकेंड्स था उसके में, लेकिन इसमें देख लेते हैं दोस्तों एक बार दोबारा। भाई यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो Redmi Note 8 Pro ने यहाँ पे पहले ओपन कर दिया। तो दोस्तों ये एक्चुअली बताता है कि Redmi Note 8 Pro का भी प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में देख सकते हैं कि PUBG अभी भी ओपन है Redmi K20 में, पर यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में क्लोज हो चुका है। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो Redmi Note 8 Pro का प्रोसेसर है वो बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है स्नैपड्रैगन 730 को, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है Redmi Note 8 Pro में और यहाँ पे Redmi K20 में। तो दोस्तों इसके बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं kinemaster वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग kinemaster एप्लीकेशन में हम लोग सेम क्वालिटी की वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगाएंगे, यानी कि रेंडर करेंगे। तो देख सकते हैं हमने kinemaster में ही एक बैकग्राउंड वॉलपेपर्स होते हैं, उन्हीं को हम दोनों ही स्मार्टफोन में सेम तरीके से लाइन बाय लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग सेम क्वालिटी में वीडियो को यहाँ पे रेंडर करेंगे, देख सकते हैं 1080p विथ 30fps एंड हाईएस्ट बिट रेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कौन पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाता है। सो लेट्स सी, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आ रहा है Redmi K20, लेकिन दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 7 Pro बहुत ही ज़्यादा पीछे। तो दोस्तों अब ये हो चुका है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, बिकॉज यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग में Redmi Note 8 Pro बहुत पीछे है और यहाँ पे ऐप ओपनिंग में बहुत आगे। सो लेट्स फाइंड दिस आउट एंड क्लियर दिस आउट इन antutu बेंचमार्क टेस्ट। तो चलिए दोस्तों उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट ऐसा है जो कि पिक्चर को क्लियर कर देगा कि आखिरकार कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे आप antutu बेंचमार्क का वर्जन आप देख लें, इससे पहले जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी Redmi Note 8 Pro की, तो उसके अंदर जो वर्जन था वो अलग था, वो एक्चुअल में जो है वो ना फ़ोन चाइना से आया था, तो उसमें जो प्री लोडेड antutu बेंचमार्क था वो था, तो मैंने उसको डिलीट किया क्योंकि यहाँ पे सेम वर्जन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों स्मार्टफोन में। तो इसलिए मैंने सेम वर्जन का antutu बेंचमार्क मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, और अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि आखिरकार दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर स्कोर करता है। बिकॉज ये वाला जो antutu बेंचमार्क है, ये जो इंडिया में हम लोग antutu बेंचमार्क चलाते हैं, ये वो वाला है, और जो वो वाला था इससे पहले जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था Redmi Note 8 Pro में, वो वाला जो था वो आपका
चाइना में चलता है, ठीक है। तो फिलहाल आप देख आप लीजिए कि भाई यहाँ पे जो इंडियन एंटूटू बेंचमार्क है उसमें ये दोनों फ़ोन क्या स्कोर करते हैं। बिलीव मी बहुत ही अमेजिंग होगा दोनों ही का स्कोर। भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई बाजी मार ली है रेडमी नोट 8 प्रो ने। तो आप देख सकते हैं कि एक फ़ोन जो कि 15,000 रुपये के आसपास का है और एक फ़ोन जो कि 22,000 रुपीज़ का है, दोनों में एंटूटू बेंचमार्क में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। और खास बात दोस्तों, CPU का स्कोर देखिए आपका Redmi K20 का बेहतर है, लेकिन जो GPU है ना वो भाई देखिए कितना ज़्यादा पावरफुल है आपका Redmi Note 8 Pro का मीडियाटेक हीलियो G90T का। तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग है। तो इस पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों मैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर हमारे चैनल पर चल रहा है, दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, Redmi Note 8 Pro का गिव अवे। तो देखिए यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे जाना है, ये वाली वीडियो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जाके आपको कमेंट करना है। इसमें मैंने रूल्स बताए हुए हैं कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, यू कैन विन दिस Redmi Note 8 Pro। तो दोस्तों, डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गिकी मॉन्ग, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोज अमंग्स योर फ्रेंड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड या डू कमेंट ऑन दिस वीडियो टू।